तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब के एकदम नए अपडेट के बारे में। और इस अपडेट का नाम है स्पॉन्सर। अब ये अपडेट क्या है, किस तरीके से काम करता है, कैसे आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, कितना आपको रेवेन्यू मिलेगा, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो स्पॉन्सर का ऑप्शन है वो यूट्यूब अभी जो है सबको नहीं दे रहा है। अभी ये बीटा स्टेज पर चल रहा है, तो यहाँ पर काफ़ी कम लोगों को ये ऑप्शन मिल रहा है। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपके चैनल पे 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बट यहाँ पे ये बीटा स्टेज पे होने की वजह से, अगर मान लीजिए आपके 1 लाख से ज़्यादा भी सब्सक्राइबर हैं तो यहाँ पे काफ़ी कम लोगों को मिल रहा है, तो ऐसे में हो सकता है आपको ना मिले। तो यहाँ पे जैसे इसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जो जितने भी 1 लाख वाले सब्सक्राइबर हैं उन सभी को यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे अभी ये काफ़ी कम लोगों को मिला है, जिसमें एक शर्मा जी टेक्निकल भी हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर आप इनके चैनल पे आएंगे तो देख पाएंगे कि ये जो सब्सक्राइब्ड है, जहाँ पे सब्सक्राइबर का ऑप्शन है, इसके बगल में एक स्पॉन्सर का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ आपको इस तरीके से ये ऑप्शन देगा कि आप इनको जो है स्पॉन्सर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इनको 159 रुपये मंथली जो है पे करके इनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो अब ये स्पॉन्सर क्या है पहले ये भी समझ लीजिए। तो गाइस, जैसा कि मान लीजिए आपका कोई फेवरेट यूट्यूबर है, आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं या फिर उनके चैनल के साथ एंगेजमेंट दिखाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप उनको हर महीने 159 रुपये पे कर सकते हैं। अब ये जो 159 रुपये है वो टोटल टैक्स के साथ है। वैसे जो अमाउंट है वो डॉलर में है, तो $2.48 के आसपास यहाँ पर इंडिया में स्पॉन्सरशिप की जो अमाउंट है वो है, और जो कि इंडियन रुपीज़ में 134 रुपये के आसपास बैठती है। हर कंट्री की जो स्पॉन्सरशिप की अमाउंट है वो अलग अलग है, और यहाँ पे जो अमाउंट है आपको 159 रुपये, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पे करना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, स्पॉन्सर पर क्लिक करते हैं और इसके बाद जो है, तो यहाँ पे आपको जो है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो ऐसे में आपको एग्री करना होगा, और यहाँ पे हर महीने आपके क्रेडिट कार्ड से जो अमाउंट है 159 रुपीज़, वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगी। और अगर आप डेबिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो हर महीने आपको खुद से ही यहाँ पर मैनुअली करना पड़ेगा। अब जैसा कि मैंने देखिए यहाँ पे बोला था 134 रुपये का आसपास जो अमाउंट है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे टैक्स लगा के, GST लगा के जो है 159 रुपये हो जाती है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं, अपना जो पेमेंट मेथड है उसे यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अब मैं जो है आपको बाकी की चीज़ें बिल्कुल खुल के बता देता हूँ, बिल्कुल फ्रेंकली। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर है ये यूट्यूब हेल्प का पेज, और यहाँ पर बाकी सारी डिटेल भी इन्होंने दे रखी है। तो यहाँ मैं आपको दे दूंगा इसकी लिंक, तो आप यहाँ पे आके खुद भी पढ़ सकते हैं। देखिए, स्पॉन्सरशिप अगर आप किसी को करते हैं तो फ़ायदा क्या मिलेगा। देखिए, जब भी वो लाइव करेगा और आपने स्पॉन्सरशिप कर रखा होगा, तो जैसे आप कोई भी कमेंट करेंगे तो कमेंट आपका जो है हाईलाइट होके ऊपर अलग से शो करेगा। आपके सामने जो है एक स्पॉन्सरशिप का बैडेज देखने को मिलेगा, आइकन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे प्राइवेट चैट का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आपने जिस भी चैनल को स्पॉन्सर किया है उनसे आप प्राइवेट में बात कर सकते हैं। और इसके अलावा जो चैनल स्पॉन्सरशिप ले रहा है वो आपको काफ़ी ढेर सारे फीचर भी दे सकता है। तो आगे जैसे ये ऑप्शन जो है पूरी तरीके इनेबल हो जाएगा, तो मैं आपको बताऊँगा कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। तो गाइस, आप बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि कैसे आपके चैनल पे ये स्पॉन्सरशिप इनेबल होगा। तो देखिए, यहाँ पे YouTube ने साफ मेंशन किया है कि किन चैनलों को ये मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, पॉइंट में इन्होंने बोला है कि अगर आपके चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर हैं या फिर इससे ज़्यादा हैं, तो ऐसे में आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बट अभी ये जो है बीटा में चल रहा है, तो अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर हों तो ये आपको मिल जाए। लेकिन आने वाले कुछ टाइम में ये सभी को मिल जाएगा जिनके 1 लाख सब्सक्राइबर हैं। और उसके बाद देखिए, 6 महीने या 8 महीने बाद जो है जितने भी क्रिएटर हैं, उन छोटे बड़े जितने भी टोटल क्रिएटर हैं, उन सभी को यहाँ पे ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा उनके चैनल पे। सेकंड जो चीज़ है, इसमें लिखा है YouTube ने कि आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम में होने चाहिए, मतलब आपका चैनल मोनेटाइज होना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है, आप 18 साल से ज़्यादा के होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। चौथी चीज़ यहाँ पे कि आप इन लोकेशन में होने चाहिए, तो लोकेशन अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन सी लोकेशन पे ये इस समय यहाँ पे इनेबल हो सकता है। और जो सबसे लास्ट में इन्होंने पॉइंट दिया है कि अगर आप MCN के साथ काम कर रहे हैं, मतलब कि अगर आप किसी मल्टी नेटवर्क चैनल के साथ काम कर रहे हैं, एडसेंस आपने छोड़ दिया है, आप किसी MCN पे हैं और वहाँ से आप जो है ऐड वगैरह ले रहे हैं, तो उनके साथ जो भी आपकी डील है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके चैनल पर स्पॉन्सरशिप को इनेबल करते हैं या नहीं करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एबिलिटी की बात कर लेते हैं। एबिलिटी में देखिए, जो मैंने बोला कि जो कंट्री है जिनमें यह स्पॉन्सरशिप जो है इनेबल हो सकती है, वो ये हैं, जैसे अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, अभी यहाँ ब्राज़ील हो गया, उसके बाद देखिए इंडिया, देखिए हंगरी के नीचे इंडिया है, पाकिस्तान अभी यहाँ पे नहीं है, नेपाल भी यहाँ पे नहीं है, बांग्लादेश भी शायद आपको यहाँ पे देखने को ना मिले, तो यहाँ बांग्लादेश भी नहीं है। तो आसपास के यहाँ पे काफ़ी कंट्री नहीं है, बट हमारा इंडिया जो है इसमें आता है। और हम बात कर लेते हैं कि रेवेन्यू के बारे में,
देखिए रेवेन्यू शेयर, तो रेवेन्यू शेयर में देखिए सबसे पहले लिखा है कि जो अगर आप यूट्यूब के साथ काम कर रहे हैं, एडसेंस के साथ काम कर रहे हैं, तो ऐसे में जो आपको स्पॉन्सर मिलेगी उसका 70% जो है वो आपको मिलेगा, बाकी जो 30% है वो यूट्यूब रख लेगा। और अगर आप एमसीएन के साथ काम कर रहे हैं तो ये एमसीएन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे कितना जो है पार्टनरशिप में ले रहा है। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है रेवेन्यू रिपोर्टिंग, तो यहाँ देख लेते हैं हम, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो है प्राइस कि किस कंट्री में जो है कितना पैसा स्पॉन्सरशिप के लिए मिलेगा। देखिए अर्जेंटीना में जो है ये लगभग 2.92 डॉलर के आसपास है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का भी दे रखा है, तो जो उनकी लोकल करेंसी है उसके हिसाब से भी दे रखा है, और यहाँ पे जो US डॉलर है उसके हिसाब से भी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं इंडिया। देखिए इंडिया 169 रुपये है और 2.48 डॉलर, तो 169 रुपये टोटल टैक्स के साथ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और 2.48 डॉलर लगभग जो है US डॉलर के हिसाब से हैं। तो इस तरीके से देखिए अगर आपके चैनल पे स्पॉन्सरशिप इनेबल होती है तो ऐसे में आप जो है इस हिसाब से अलग अलग कंट्री में आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी। और अगर आप कोई चाहता है कि हम इससे ज़्यादा स्पॉन्सर करने के लिए, तो फिलहाल वो ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर आप किसी को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आपको फिक्स अमाउंट पर ही स्पॉन्सर करना होगा। और यहाँ पे आपको जो है कुछ बातें और ध्यान देनी होंगी, अगर आपके चैनल पे स्पॉन्सरशिप का बटन इनेबल होता है तो ऐसे में आपको यूट्यूब की पॉलिसी का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर आपके चैनल पे दो यूट्यूब की कमेटी गाइडलाइन की स्ट्राइक लगती है तो ऐसे में ये क्या करेगा यूट्यूब कि आपके चैनल पर जो स्पॉन्सरशिप का ऑप्शन है उसे डिसेबल कर देगा। तो यहाँ पर दोबारा से इनेबल करने के लिए आपके चैनल पर या तो दोनों स्ट्राइक हट जानी चाहिए या फिर उनमें से एक स्ट्राइक हट जानी चाहिए। अगर आपके चैनल पर एक कमेटी गाइडलाइन की स्ट्राइक है तो ऐसे में वो इनेबल रहेगा, और अगर दो लग जाती है तो वो पूरी तरीके डिसेबल कर देगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपके चैनल पे 3 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लग जाती है तो ऐसे में आपका जो चैनल है वो यूट्यूब पूरी तरीके टर्मिनेट भी कर सकता है, या फिर कॉपीराइट भी लगता है तब भी जो है यूट्यूब टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैं आपको 2-3 छोटी मोटी बातें और बता देता हूँ। देखिए पहले तो ये आया था गेमिंग चैनल के लिए, बट अभी ये सभी के लिए है। दूसरा ये कि जैसे मान लीजिए आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है, तो अगर उसके बाद आपको कार्ड की डिटेल वगैरह चेंज करनी है तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी स्पॉन्सरशिप जो है कैंसिल भी कर सकते हैं। तीसरा ये कि यहाँ पे अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन को ऑन ऑफ़ करना तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद जैसे मान लीजिए आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं बट आपने उनको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जैसे आप उनको स्पॉन्सर करेंगे तो यूट्यूब ऑटोमेटिकली आपको जो है वहाँ पर सब्सक्राइब करवा देगा। तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे ये इनेबल होगा तो इसके लिए आपको आना है आपके यूट्यूब चैनल पे, और यहाँ पे आपका जो है स्टेटस एंड फीचर वाला जो पेज होता है जहाँ पे आपको कॉपीराइट वगैरह दिखाई देगा, तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो सबसे नीचे आपको ये स्पॉन्सर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और आपको यहाँ पर ये इनविजिबल दिखाई दे रहा है। पहले मतलब कि जब आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो यहाँ पे जैसे अगर यूट्यूब आपको उस प्रोग्राम के अंदर लेता है बीटा प्रोग्राम के अंदर, तो आपको यहाँ पर इनेबल करने का ऑप्शन दिखाई देगा। ये जो वीडियो है मैंने बहुत ही जल्दी में बनाया है क्योंकि मेरे पास आज बहुत ज़्यादा काम है 2-3 दिनों से, और मैं प्रॉपर वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो सॉरी गाइस, अगर मुझसे कुछ भी चीज़ें यहाँ पे छूट गई हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आगे आने वाली वीडियो में मैं उन सब चीज़ों को कवर कर लूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।